रहने को तो भारतीय रेल यात्रियों को और देशवासियों को सुविधाएं देने के लिए सबसे नंबर वन है, लेकिन लुधियाना के गांव शेरपुर जिसमें रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर जो लुधियाना से कोलकाता तक बन चुका है उसकी रेलवे एक अलग से ट्रैक बना है, उसके चलते यहाँ के शेरपुर के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी समस्या तो बहुत आई। अच्छा जी, मैं रोज आता हूँ, लाइनों के ऊपर से जाता हूँ और लाइनों के ऊपर से चलता हूँ। अच्छा जी, पानी भरा रहता है, कदे कदे ट्रेन पीछे भी नहीं, और कई बारी तो ऐसा देखने में आया हाँ कि आते जाते लोग कट जाते हैं। अच्छा जी, ये सारे पिंड वालों बुजुर्गों बच्चों सारे आने जाने बड़ी तकलीफ होती है। ये पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर एक जो एकमात्र साधन था पुलिया थी जिसके अंडर ब्रिज था जिसके नीचे से निकलकर गांव के लोग जीरी रोड तक जाया करते थे, लेकिन आज ये पुलिया 3-4 सालों से बंद होने के इसमें मिट्टी जम गई है और इसकी बदौलत यहाँ के लोगों को एक तरफ या दूसरी तरफ से 3-4 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपनी मंजिल को जाना पड़ता है। तो ये बारे कोई कारपोरेशन या बिजली बोर्ड रेलवे ने कोई कार्रवाई की? इधर देखो जी। हाँ जी, रेलवे वाले ने तो नहीं सर, कारपोरेशन ने इतने ट्यूबवैल लगाया वा हाँ, तो हुण इहदी सफाई होनी जरूरी है, जे सफाई हो जाए तो रास्ता चलता हो जाए और सड़क बन जाए। अच्छा, साडे कारपोरेशन अगे गुजारिश है जी, जे वो साडी आवाज़ नूं सुणदे आ तां इहनूं जल्दी तों जल्दी साफ करा देण ते सड़क बनवा देण वधिया, और लाइट का प्रबंध हो जाए थले लंघण नूं लोकां नूं वधिया हो जाए। बंद में जब रेलवे विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग अथराइज्ड नहीं हैं और इसके लिए अगर आपने किसी का पक्ष जानना है, वर्जन लेना है, तो यहां से 200-250 किलोमीटर दूर फिरोजपुर मंडल जो है रेलवे का फिरोजपुर DRM है उनसे बातचीत कीजिए। लुधियाना से इंडिया नर्ड के लिए जय कुमार।